छात्र आसिफ अली थे जो पैगाम दे रहे थे कि फिक्र का मकतब कहाँ से आ गया। मैं फिर से सभी साथियों दोस्तों को एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस तिरंगे झंडे के नीचे आसिया कोचिंग सेंटर के हसीन प्रांगण में उपस्थित हुए, जिनका संचालक मास्टर परवेज आलम और आसिफ आलम है। हमारे मंच पे भी मुख्य अतिथि लोग बैठे हैं। मैं सबके अभिनंदन करता हूँ। और यही मैसेज मिला कि फिक्र का मकतब कहाँ से आ गया, फिक्र का मकतब कहाँ से आ गया, ये नया कर्तव्य कहाँ से आ गया, फिक्र का मकतब कहाँ से आ गया, ये नया कर्तव्य कहाँ से आ गया, हम लोग तो मोहब्बत करने वाले थे, बीच में मजहब कहाँ से आ गया, हम लोग तो मोहब्बत करने वाले थे, बीच में मजहब कहाँ से आ गया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नवजात आलम, फिर जिगर का टुकड़ा है। मैंने कहा था कि शेर के हाथों से कोई शमशीर छीन ले जाए, रंझा के रहते हुए कोई हीर छीन ले जाए, और ऐसे लालों ने अगर रहा इस जमीन पर तो किसकी मजाल जो हमसे कश्मीर छीन ले जाए, ऐसे लालों ने अगर रहा जमीन पर तो किसकी मजाल जो हमसे कश्मीर छीन ले जाए। इन लोग